हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर वी विल डिस्कस द न्यू ड्रग दैट इज कॉल्ड एज बल्लातक। ओके, तो नॉर्मली बल्लातक को हम हिंदी में बिलावा भी बोलते हैं, इसे बिमी भी बोलते हैं। ओके, तो इसको अग्निमुख, अरुष्कर, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट इसको सिनोनिम्स बोला गया है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिफोर कंटिन्यू विद आवर टुडेज टॉपिक, लेट्स नो समथिंग अबाउट दैट बल्लातक। ओके, तो बल्लातक ये होता कैसा है, एंड बल्लातक को जब हम इसको किसी भी प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर जब इसका यूज़ करते हैं, तो हमें नंबर ऑफ़ प्रिकॉशन एंड इसके कॉन्टेंट इंडिकेशन को देखकर ही हमें इसका यूज़ करना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका ये रीज़न होता है क्योंकि जो बल्लातक होता है, बल्लातक नॉर्मली एक विषय द्रव्य में से आता है, और नॉर्मली जो सभी विषय द्रव्य जो होते हैं वो उष्ण तीक्ष्ण गुण के रहते हैं। ओके, तो बल्लातक का जो विषय द्रव्य का जो पार्ट होता है वो हमारा सीड रहता है। ओके, तो ये एनाकार्डियम से फैमिली के अंतर्गत आता है। तो सेमी कार्पस एनाकार्डियम इसका लैटिन नेम आता है, और जिसकी फैमिली होती है एनाकार्डियम से फैमिली होती है। एनाकार्डियम से फैमिली के जितने भी प्लांट रहते हैं, जितने भी हर्बल प्लांट रहते हैं, उनके क्या होता है, फ्रूट और जो सीड होते हैं जो उनके सीड होते हैं वो बाहर आए रहते हैं। आई मीन दैट जैसे कि कैशोनट, जो काजू आपने देखा रहेगा, तो उसके क्या होता है, उसके फ्रूट और सीड दो अलग अलग कंडीशन में आते हैं। ओके, कंडीशन मीन्स वो सेपरेट हुए रहते हैं बाहर, ये कंडीशन सेपरेट हुए रहते हैं। तो इन दैट सेम मैनर जो बल्लातक होता है, उसमें भी जो उसके फ्रूट्स होते हैं वो बाहर आ रहता है, और जो अपना सीड होता है जस्ट बिलो द फ्रूट वहाँ पे उसके सीड भी रहते हैं। तो जिसके जो बीज होते हैं, जो उसका सीड जो होता है, वो विषय द्रव्यों में काउंट किया जाता है, और इन्हीं विषय द्रव्यों को शुद्ध करके उनका तेल निकालते हैं, उनका चूर्ण बनाते हैं, और हमको क्या बोलते हैं, अलग अलग डिसीज में उसको ठीक करने के लिए अलग अलग कल्पों में उसका यूज़ करते हैं। ओके, तो बल्लातक इसीलिए इसका कॉन्टेंडिकेशन और प्रिकॉशन देखना पड़ता है, कि क्योंकि ये विषय द्रव्य ही है, और विषय द्रव्य के साथ साथ ये क्या है, उष्ण तीक्ष्ण प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है। और ड्यू टू दैट उष्ण तीक्ष्ण प्रॉपर्टी, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे जो बैलेंसिंग स्टेट कंडीशन मेंटेन करने के लिए, जो हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ओके, तो स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो बैलेंसिंग स्टेट चाहिए, जो बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है, वात पित्त कफ, तीन दोष जो बताए गए, उनमें से उष्ण तीक्ष्ण गुणों की वजह से क्या होता है, पित्त प्रकोपित हो जाता है, क्योंकि पित्त के भी सेम गुण है उष्ण तीक्ष्ण गुण, और ड्यू टू दैट उनके सेम गुणों की वजह से, सेम गुण की जब हम अंदर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पित्त प्रकोपित हो जाता है। और ड्यू टू दैट पित्त प्रकोपक आहार विहार सच एज स्किन प्रॉब्लम, सच एज हमारे वहाँ पे पूरे बॉडी में येलोइश डिसकलरेशन, देन अगेन वहाँ पे अलग अलग यूरिन के कलर में चेंजेस, फीसेस में कलर में चेंजेस, ओके, टेम्परेचर इरेगुलरिटी चेंजेस आता है। तो जितने भी पित्त के जो फंक्शन आते हैं वहाँ पे हैम्पर हो जाता है। तो ड्यू टू दैट अलग अलग यहाँ पे कंडीशन को देखते हुए इस जो ड्रग है, इनके जो कल्पों का जो ड्रग आता है, संजीवनी वटी, बल्लातक चूर्ण, ओके, त्रिभुवन कृति रस, तो हम कंडीशन देख कर, पेशेंट के स्टेट को देख कर, पेशेंट कैसा है, वो उत्तम बल का है, मध्यम बल का है कि प्रबल बल का है, तो ये सभी को देखकर हमें ये ड्रग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिनोनिम्स। ओके, द पराइनम ऑफ बल्लातक इज नथिंग बट द बल्लातक को पहले डिफाइन किया गया है, तो बल्ल इव आतति तैक्षण्यात अत सातत्य गमने। ओके, तो रेगुलर बेसिस पे इसको हमें नहीं लेना है, अगर औषधि के रूप में भी अगर किसी ने प्रिस्क्राइब भी किया है तो तभी हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि वन मंथ, टू मंथ, ओके, तो 10 to 20 days हमें इसको यूज़ करके स्टॉप करना है, एंड देन वी हैव टू स्टॉप फॉर सम डे, एंड देन आफ्टर वी कैन यूज़। ओके, लेकिन कंटिन्यू मैनर में इसका यूज़ नहीं करते। तो बल्लातक इसका ये नाम इसलिए रहता है क्योंकि जिसके जो लीव्स होते हैं ये भाला लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ओके, तो भाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉर्मली हमें फैमिलियर रहते हैं, जो कि हमें आघात पहुँचा सकता है, ट्रॉमा पहुँचा सकता है। ओके, तो ऐसा एक समथिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो भाला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ड्यू टू दैट बल्लातक को बल्लातक बोलते हैं। ओके, तो भल्ल इव आतति तैक्षण्यात अत सातत्य गमने, ड्यू टू उष्ण तीक्ष्ण इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अरुष्कर, क्योंकि ये जो इसके सीड जो मैंने बताया, जो विषय द्रव्य में से जो एक आता है, तो ये क्या होता है, इसका शोधन करना पड़ता है। ओके, तो बिना शोधन के हम डायरेक्टली किसी भी फॉर्मुलेशन में, डायरेक्टली किसी भी कल्पों में, योगों में इसका यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी मेडिसिन में इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसको शोधन करना पड़ता है। तो इसकी इतनी उष्ण तीक्ष्ण की वजह से, विषय द्रव्य के होने की वजह से, जब इसका जब शोधन करते हैं तो हमें हाथों में ग्लव्स पहनकर ही इसका शोधन किया जाता है,
तो इसका शोधन का प्रोसीजर हम अलग से बताएंगे कभी। लेकिन ड्यूरिंग शोधन क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली विदाउट ग्लव्स अगर टच करते हो तो वहाँ पे स्किन इरिटेशन होता है। ओके, तो ड्यू टू दैट इसके जो सिनोनिम्स है, अरुष्कर एक सिनोनिम्स आया हुआ है, शोफ कृत। ओके, तो अगेन वहाँ पे अगर आप प्रिकॉशन अगर नहीं लोगे ड्यूरिंग शोधन, ड्यूरिंग यूजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग ऑफ हैविंग बल्लातक, ओके, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बॉडी में आ सकता है, स्किन इन्फ्लेमेशन वहाँ पे आ सकता है। अग्निमुख, अग्निमुखी, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, जो कि क्या करते हैं, उष्ण तीक्ष्ण अगर रहता है तो वहाँ पे क्या करता है, हमारे बॉडी में पित्त को तो प्रकोपित करते हैं, ये उसके साथ साथ क्या करता है, जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो ड्यू टू दैट यहाँ पे अग्निमुख एक पर्याय नाम आया हुआ है, सिनोनिम्स आया हुआ है। ओके, तो अग्निमुख मतलब अग्नि को बढ़ाता है, जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। वीर वृक्ष, इसका जो ट्री होता है बहुत ही बड़ा ट्री होता है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्री होता है, नॉर्मली एक हाइटेड ट्री होता है, 25 to 40 feet का ऐसा रहता है। ओके, तो बोटानिकल नेम अगेन मैंने बताया, लैटिन नेम सेमिकार्पस एनेकार्डियम, एनेकार्डियम इसका लैटिन नेम आता है। और फैमिली जो होती है, एनेकार्डियस फैमिली का आता है ये। एनेकार्डियस फैमिली में हमारे मैंगो आते हैं, वहाँ पे हमारे सच एज कैशोनट्स का जो फैमिली आते हैं। ओके, तो एनेकार्डियस फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स के प्लांट आते हैं। इंग्लिश इसका जो नॉर्मली अंग्रेजी जो हम बोलते हैं, तो मार्किंग नट ट्री इसका बोलते हैं, क्योंकि जो इसके जो सीड्स होते हैं या फिर जो इसके जो फ्रूट्स होते हैं, ये एस जैसे हम खट्टिका जैसे चौक बोलते हैं, तो एक मार्किंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इन दैट सेम मैनर इसके फ्रूट्स का भी, इसके सीड्स का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ड्यू टू दैट इसका फैमिलियर है, मार्किंग नट ट्री भी बोलते हैं। और जो इसके जो टाइप्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था, इसके जो टाइप्स पे आपको फोकस नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आप, मैंने आपको लिखा है कि नाइट तंत्राकर यहाँ पे बताया गया। ओके, तो इन्होंने बताया कि बल्लातक और नाड़ी बल्लातक ऐसे दो टाइप के यहाँ पे बताए गए। ओके, तो ज़्यादा इसके फोकस नहीं करना है, नॉर्मली आपको लैटिन नेम फैमिली और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं आपको ये मालूम होना जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन इसका अकॉर्डिंग चरक संहिता ने अलग अलग महाकाशाएं में इसको रखा है। दीपनीय महाकाशाएं में मतलब जो जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाले जो महाकाशाएं होते हैं, जो ग्रुप ऑफ द ड्रग है, दीपनीय महाकाशाएं उनको बोलते हैं। तो दीपनीय ड्रग में इनको बल्लातक को रखा गया है। भेदनीय, भेदनीय इसलिए क्योंकि ये उष्ण तीक्ष्ण होने के जैसे क्या करते हैं, अगर कोई वहाँ पे कैल्शियम स्टोन बना हुआ है, कोई अश्मरी है, कोई वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी है, तो ऐसे भी क्या करता है, उसको तोड़ता है, यानी कि भेदन करने का काम करता है। ओके, तो तोड़ना फोड़ना जो भी काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भेदन बोलते हैं। तो भेदनीय करने वाले जो 10 ड्रग यानी कि एक भेदनीय महाकाशा जिसे हम बोलते हैं, तो उनमें से हमारा एक ड्रग बल्लातक आता है। कुष्ठग्न यानी कि स्किन लीजन को जो ठीक करता है उसको हम क्या करते हैं, कुष्ठग्न बोलते हैं। ओके, तो कुष्ठग्न महाकाशाएं में बल्लातक का यूज़ किया जाता है। तो अभी आप बोलेंगे कि जो पित्त प्रकोपित, ये तो पित्त प्रकोपित करता है, और पित्त प्रकोपित होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्किन के लिए प्रॉब्लम आते हैं। तो स्किन के प्रॉब्लम ये पित्त प्रकोपित को आते हैं, कफ प्रकृति को नहीं आते, क्योंकि कफ प्रकृति में क्या होता है, वहाँ पे उसको नीड होती है, बॉडी को नीड होती है कि वो उष्ण तीक्ष्ण वाले आहार खाएँ, उष्ण तीक्ष्ण वाले औषध द्रव्य ले। ओके, तो आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि जो कफ प्रकृति वाले जो पर्सन होते हैं उनके वो बहुत ही शिथिल रहते हैं, और उनका जो बॉडी रहता है वो बहुत ही फैटिकी रहते हैं। ओके, तो ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, उनका नेचर ही ऐसा रहता है, नेचर उनको अलग तरीके से बनाया हुआ रहता है कि इनके जो बॉडी की जो नीड्स होते हैं वो एज पर जो पित्त प्रकोपित, जो पित्त को प्रकोपित करेगा उनके बॉडी को वही नीड करता है। ओके, तो बल्लातक का जो यूज़ करते हैं हम, नॉर्मली कफ प्रकृति वाले बंदे को या फिर पर्सन को यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या करता है, ये स्किन के प्रॉब्लम को ठीक करता है। अगर आप पित्त को देने जाएंगे, पित्त प्रकृति वाले पर्सन को देने जाएंगे, तो वो क्या करता है, वहाँ पे कुष्ठग्न को बढ़ा देगा, यानी कि कुष्ठ को ठीक नहीं करेगा। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। मूत्र संग्रहणीय में, ओके, तो वहाँ पे अगर जैसे प्रमेह डायबिटीज़ बोलते हैं, तो वहाँ पे एक्सेस यूरिन आता है, पोलीयूरिया जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें ये ठीक करता है। मूत्र संग्रहणीय मतलब वहाँ पे यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को, यूरिन के जो फ्रीक्वेंसी है, उसके जो फॉर्मेशन है, उसको क्या करता है, कम करता है। ओके, सुश्रुत ने इनको नेवरादि गण में रखा है और मुस्तादि गण में रखा है। मुस्तादि गण में इस तरह था कि क्योंकि जो मुस्ता होता है ये कषाय रस का होता है, स्तंभक होता है, और वो क्या करता है, वहाँ पे अतिसार को रोकता है, यानी कि डायरिया के प्रॉब्लम जैसे, डायरिया के जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो हमारा जो बल्लातक होता है ये स्लाइटली मधुर रस का भी रहता है, कषाय रस का भी रहता है, तिक्त रस का भी रहता है, और कट्टू रस का भी रहता है। ओके, ऐसे चार रस इसके बताए गए हैं। तो इसका जो मेजर रस होता है वो तिक्त, कषाय, कट्टू बताया गया, और लास्टली में मधुर आपको ऐड करना है। तो कषाय जो रस होता है ये वो वहाँ पे स्तंभक का कार्य करता है। स्तंभक मीन्स उसको स्टॉप करता है, उसको रोकता है। ओके, किसको रोकता है, डायरिया को रोकता है। तो मुस्ता भी वहाँ पे नागर मुथा जिसे बोलते हैं, वो भी क्या करता है, डायरिया को रोकता है। एंड ड्यू टू दैट वहाँ पे बल्लातक को हमने इस
ग्रुप में रखा है, तो सुश्रुत ने निमुस्तादी गण में रखा है। ओके, इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है यानी कि प्लांट कैसा दिखता है, तो मैंने नॉर्मली आपको बताया कि प्लांट ज़्यादा हाइटेड नहीं रहता है, तो मीडियम साइज का ट्री है, 25 to 40 feet का रहता है, यानी कि आप मॉर्फोलॉजी आप एक बार वंस अगेन वन बाई वन आप गो थ्रू मार सकते हो। ओके, इसकी जो बाक्स होती है, जो स्किन जो होता है इसका, नॉर्मली इसे जब काटते हैं तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे समथिंग ब्लैक कलर का एक समथिंग पदार्थ या फिर हम सब्सटेंस ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे ऊज आउट होता है। ओके, और अगर इसकी लीव्स की बात करें तो मैंने वही बताया कि भाला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो वही इसकी लीव्स है, तो अगर आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट है क्राउडेड यानी कि एक वहाँ पे होल मैनर में, जैसे कि महुआ के जैसे पेड़ के जो लीव्स पाए जाते हैं, इन दैट सेम मैनर वहाँ पे होल यानी ग्रुप में इसके लीव्स आते हैं। ओके, सिंपल है। और फ्लावर जो हमारा जो रहता है, इसके जो पुष्प होते हैं ये पॉलीगोनस रहते हैं। ओके, और अगर हम फ्लावर्स की अगेन बात करेंगे तो येलोइश कलर के समथिंग फ्लावर रहते हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस में वहाँ पे ये फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मंजरी जिसे बोलते हैं। ओके, और ये जो मंजरी होते हैं ये यूनिसेक्सुअल इनका प्लांट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल प्लांट जो होता है ये अलग अलग रहता है। ओके, तो फ्लावर्स जो इन्फ्लोरेसेंस मैनर में ग्रो होता है, इसका जो फ्रूट होता है, नॉर्मली फ्रूट 3 stages में ग्रो होता है। नॉर्मली पहले ग्रीन में रहता है, देन अगेन वो वहाँ पे येलोइश, ओके, येलोइश ऑरेंज कलर का रहता है, एंड देन अगेन लास्टली वो क्या रहता है, ब्लैक कलर में जाता है। तो ब्लैक कलर जो बन जाता है वो वहाँ पे हमारा पका हुआ फ्रूट रहता है, किसका, भला तक का। और जो पका हुआ जो बीज रहता है, यानी कि जो बीज तो नॉर्मली पकेगा नहीं, ओके, तो जो उसका बीज रहता है वो भी काला कलर का रहता है। तो 3 stages में इसके फल आते हैं, पहला ग्रीन कलर आएगा, हम देखेंगे वन वन स्लाइड में, पहला ग्रीन, देन नेक्स्ट टू ग्रीन दैट नथिंग बट द येलोइश ऑरेंज कलर, एंड लास्टली देर इज़ अ ब्लैकिश कलर। तो ब्लैकिश इज फुल्ली फॉर्म ऑफ फ्रूट, लेकिन नॉर्मली कुछ लोग जो येलोइश ऑरेंज कलर का जो मैंने स्टेज बताया वो भी यूज़ करते हैं। ओके, फॉर ईटिंग पर्पज, फॉर एडिबल, ओके, तो इट इज़ एडिबल, बट सीड आर नॉट एडिबल, सीड आर यूज इन द मेडिसिन पर्पज, ओके, आफ्टर द शोधन। ओके, तो फ्रूट है, सीड है, ओके, वही यहाँ पे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताया गया है प्लांट कैसा दिखता है। इसकी जो हैबिटेट है आप देख सकते हो कि ग्रीन रीजन में यहाँ पे लोकेटेड है कि कहाँ कहाँ पे इसका पाया जाता है। ओके, तो जम्मू कश्मीर रीजन में और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश समथिंग रीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे नहीं पाया जाता है, लेकिन बट थ्रू आउट द इंडिया ये पाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी मैंने लीव्स की बात की, या आप देख सकते हो इसकी इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे मैंने बताया, तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस रहता है ये भी ग्रीन कलर का रहता है। ओके, तो सिमिलर टू दैट साइज ऑफ दैट लीफ ये भी इसके इन्फ्लोरेसेंस की ग्रो होती है। ओके, और वहाँ पे क्या रहता है कि जो इसके फ्लावर्स आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ग्रीन कलर के फ्लावर्स आते हैं। ओके, तो स्लाइटली येलोइश भी रहते हैं, लेकिन नॉर्मली वहाँ पे ग्रीन कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन कलर के फ्लावर्स है। ओके, तो ये भाला लाइक स्ट्रक्चर, अगेन हम क्लियर डायग्राम देखते हैं, तो ये ग्रुप में यहाँ पे इसके लीफ में बताया मैंने अभी कि ग्रुप में रहता है ये होल मैनर में, क्लस्टर मैनर में इसके लीव्स पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाला लाइक स्ट्रक्चर है और ये ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे महुआ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये आप देख सकते हैं कि सिंपल में है, और ये जो इनका जो रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल डिलेशन नहीं है, आप देख सकते हो सामने से। और जो इनका जो लीव्स होता है समथिंग कुछ लंबा होता है, यानी कि 6 to 13 inches इनके लंबे ऐसा लीव्स होता है। ओके, तो ये इन्हीं की मैं बात कर रहा था, इन्फ्लोरेसेंस जो मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, तो ग्रीनिश कलर, येलोइश कलर के इनके फ्लावर्स पाए जाते हैं, और जो इनका जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग रहता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इनका जो ग्रीनिश पार्ट है इसको हम फ्रूट्स बोलते हैं, और नीचे जो लगा हुआ है हमारा सीड्स है। ओके, तो फ्रूट्स एंड सीड दोनों अलग अलग रहते हैं, ये एनेकार्डियस फैमिली की खासियत है। ओके, इनका ये लीव्स है, यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेज अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो येलोइश और ऑरेंज कलर का जो यहाँ पे दिख रहा है ये फ्रूट्स है, और हमारा ब्लैक कलर का ये क्या है, सीड है। ओके, तो पहला ग्रीन टू यहाँ पे स्लाइटली ग्रीन है, देन अगेन वहाँ पे क्या होता है हमारा येलोइश ऑरेंज कलर का फ्रूट बन जाता है, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे क्या होता है ब्लैक कलर का फ्रूट बन जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर का, तो इसको हम क्या करते हैं डायरेक्टली ये खा सकते हैं, ये कोई इसमें विषय द्रव्य नहीं पाया जाता है, लेकिन बीनीथ टू दैट फ्रूट यहाँ पे हमारा एक सीड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं भला तक सीड। तो यही विषय द्रव्य में से आता है, यही विषय द्रव्य है, इन्हीं का हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं,
ये तो नॉर्मली सब खा सकते हैं, ये मधुर रस का ही रहता है, ओके, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती खाने में। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर का फुल्ली फॉर्म मैच्योर हमारा ये फ्रूट होता है। ये कैशू नट का वहाँ पर डायग्राम दिखाया टू रिप्रेजेंट दैट एनाकाडेसी फैमिली मेम्बर्स, ओके। तो ये इसके फ्रूट्स आते हैं काजू कैशू नट के, और ये हमारा सीड्स होता है। तो नॉर्मली हम जिसका ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत इसका यूज़ करते हैं, तो एनाकाडेसी फैमिली के अंदर कैशू नट भी आता है जिसके फ्रूट्स एंड सीड दोनों अलग अलग हुए रहते हैं, ओके। तो जो इसका यूज़फुल पार्ट है, इसका प्रयोजन अंग है, तो इसका फ्रूट्स यूज़ करते हैं हम, और फ्रूट्स से फॉर एडिबल पर्पस, एंड जो इसका ऑयल निकालते हैं 10 to 20 drops जो यहाँ पे जो लिखा गया है, तो ये नॉर्मली सीड से निकालते हैं, ओके। तो बीजों से तेल निकालते हैं हम बाय पाताल यंत्र, ओके। तो पाताल यंत्र एक अलग यंत्र होता है जो कि बीनीथ हमारे अर्थ सरफेस वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, पाताल यंत्र लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं तेलों का निर्माण करते हैं। तो वहाँ से तेल निकाल कर हमें यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट बताए गए, आप एक बार गो थ्रू मार सकते हो, मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मार्कआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे बिलावा नेल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है, ओके। एनाकार्डियोसाइट्स देन पेंटासिड, यहाँ पे जो मार्किंग यहाँ पे मैंने रखा है, तो यहाँ पे एक बार गो थ्रू मार सकते हो इसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट क्या है एज पर द मॉडर्न, ओके। तो यहाँ पे रसपंचक मैंने बताया, रसपंचक में प्रभाव या फिर जो कर्म है नेक्स्ट साइड में आपको दिखेगा। तो रस नॉर्मली मैंने बताया कषाय कटुतिक्त है, ड्यू टू दैट कषाय रक्त स्तंभक है ये वहाँ पे, और क्या करता है ये, तो रक्त स्तंभक ये नॉर्मली उष्ण तीक्ष्ण का है, लेकिन रक्त स्तंभक कैसे, अगर पित्त को प्रकोपित करेगा तो रक्त स्त्राव होता है वहाँ पे, तो रक्त स्तंभक कैसे, अगेन वही सेम क्वेश्चन। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, कफ प्रकृति के लिए यूज़ करना है, पित्त में नहीं देना है, जहाँ पे पित्त ऑलरेडी विशेटेड रहता है वहाँ पे हमें इसका यूज़ नहीं करना है, हमें कफ प्रकृति वाले पर्सन में जो इसको या फिर जो इसके फेवरेबल हैं और या फिर जो इसको सहन कर सकते हैं, ओके, तो उन्हीं में हम डायरेक्टली इसका यूज़ करना है। तो उसमें क्या इफेक्ट दिखाएगा, वो रक्त स्तंभक दिखाएगा, वहाँ पे डायरिया अगर रहेगा उसको स्तंभक करते हुए दिखाएगा। तो कषाय कटुतिक्त स्लाइटली मधुर रस भी होता है, ड्यू टू दैट कषाय कटुतिक्त कफग्न है, कफ और वात को शामक है, और कफ और वात को शामक के होने की वजह से इसका अगेन एक परिणाम आता है, सुनोनिम्स आता है, उसको हम बोलते हैं वातरी, यानी कि वात का जो दुश्मन होता है, जितने भी वात को शांत यानी कि वात दोष के जो बैलेंसिंग अगर इम्बैलेंस हो गया है, तो जितने भी उसके लिए कल्पों का यूज़ करते हैं योगों का यूज़ करते हैं उनमें भलातक होता है, ओके। तो भलातक क्या करता है, वात दोष के जो एम्परिंग जो फंक्शन होता है उसको ठीक करता है, ओके। तो वात दोष के बी मार्ग गमनम या फिर उसमें अगर कोई रेगुलेशन आ गया है इररेगुलेशन आ गया है तो उसको ठीक करता है। तो ड्यू टू दैट वात के जितने भी कल्प आते हैं उनमें हम भलातक का यूज़ करते हैं। तो ये कफ शामक भी है और क्या करता है, वात शामक भी है, ओके। और जो इसके गुण हैं लघु स्निग्ध गुण हैं, ओके, तो नॉर्मली इजी होता है फॉर डाइजेशन, ओके, तो इजीली डाइजेशबल है ड्यू टू दैट लघु गुण। और जो इसके जो वीर हैं वो उष्ण वीर का है, और ड्यू टू दैट उष्ण और तीक्ष्ण होने की वजह से क्या करते हैं, इसका परिणाम अग्निमुखाया है, वहाँ पे अग्निचित्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उष्ण वीर के होने की वजह से क्या होता है, तत्र उष्ण ब्रह्म त्रुट ग्लानि दाह आशु पाकिदा, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है, पाचन दीपमन यानी कि जठर अग्नि को प्रदीप्त करना, ये सभी वहाँ पे फंक्शन प्ले होते हैं। विपाक जो होता है मधुर विपाक का होता है, और ड्यू टू दैट यहाँ पे मधुर विपाक के होने की वजह से क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर हम मधुर विपाक का श्लोक याद करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कटु विपाक का अगर हम वन बाय वन जाएंगे तो कटु विपाक को शुक्र करो ना बद्धविट वातलो लघु वहाँ पे, देन अगेन अगर हम मधुर विपाक का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सृष्टमल विपाको कफ शुक्रल, ओके। तो स्वादु गुरु सृष्टमल विपाको कफ शुक्रल ऐसा एक श्लोक आया हुआ है, यानी कि क्या होता है, वो क्या होता है, मधुर विपाक वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुक्र को बढ़ाते हैं, यानी कि स्पर्म के काउंट को बढ़ाते हैं, स्पर्म के फंक्शन को प्रॉपर करते हैं, वहाँ पे अगर समथिंग अगर कोई इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको ठीक करता है, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए बेस्ट ड्रग होता है, ओके। तो वहाँ पे इन फीमेल्स का अगर बात करेंगे तो वहाँ पे अगर यूटेराइन सिस्ट बना हुआ तो उसको तोड़ता है, वहाँ पे अगर ओवेरियन सिस्ट है तो उसको भी तोड़ता है, ओके।
उसके साथ साथ अगर वहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर वो भी इम्बैलेंस या फिर प्रॉपर नहीं रहता तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स जहाँ पे रहते हैं उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सभी वहाँ पे मधुर विपाक के जैसे ये फंक्शन होता है। तो स्वादुग्रह सृष्टम मलो, और जो मल होते हैं मल मूत्र जो होते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे बॉडी से इवैक्यूएट होते हैं, एक्सपेल आउट होता है। तो ये मधुर विपाक का फंक्शन होता है। ओके, तो कषाय कटु तिक्त होने की वजह से क्या होता है, ये कफग्न है। ओके, और उष्ण वीर के होने की वजह से क्या होता है, अग्निदीपन को बढ़ाता है, वात को शमन करता है, वात और कफ को शामक हमारा बलात्मक ड्रग होता है। और मधुर विपाक के होने की वजह से क्या करता है, वो शुक्र को बढ़ाता है, रसायन एक्टिविटी दिखाता है, प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोड्यूस सिस्टम को भी वहाँ पे यूजफुल होता है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन श्लोक यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो जो अभी हमने जस्ट रीड आउट किया तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार मैं फटाफट आपको रीड आउट करके दिखा देता हूँ। बलातकम त्रिशु प्रोक्तम अरुष्को अरुष्करो अग्निकह, ये तो इसके सिनोनिम्स की यहाँ पे बात की गई है। तथेव अग्निमुखी भल्ली वीर वृक्ष से शोभकृता। ओके, बल्लाता का फलम पक्वम साधु पाक रसम लघु। ओके, तो पकने के बाद ये क्या होता है, मधुर रस का हो जाता है। कौन इसके फल, कषायम पाचनम स्निग्धम तीक्ष्ण उष्णम छेदरी भेदनम। ओके, तो ये इसके बीजों की यहाँ पे बात की गई, तो कषाय रस का होता है, पाचन दीपन का काम करता है, स्निग्ध गुण का रहता है और तीक्ष्ण उष्ण गुण का रहता है, जो क्या करता है छेदन करने का काम करता है, मतलब किसी भी शिष्ट को तोड़ता है, किसी भी अश्मरी को किसी भी स्टोन को तोड़ता है। मेध्यम वंदीकरम हंती कफ वात वर्ण उदरम। ओके, तो उधर असाइटिस जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है, यानी कि अगर कहीं शोफ अगर बन गया है यानी कि इन्फ्लेमेशन अगर कहीं हो गया है और वहाँ पे अगर कोई फ्लूइड का कलेक्शन है तो उसको क्या करता है, सोखा देता है, यानी कि उसको सोख करता है। ओके, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ वंदीकरम अग्नि प्रदीपन है, अगेन वहीं पे कफ वात हंती किसको किसको हरता है, वो कफ और वात को हरता है, वर्ण यानी कि ऊंट्स को ठीक करता है, कुष्ठर्ष ग्रहणी गुल्म शोफ आना ज्वर क्रिमीन। ओके, तो कुष्ठ मतलब स्किन लीजन यानी कि जो हमारा लेप्रोसी जो आता है, अर्ष मतलब पाइल्स। ओके, तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में इसका यूज़ करना है आपको, ये बात याद रखना है, ब्लीडिंग पाइल्स अगर रहेगा तो ये ब्लीडिंग पाइल्स ऑलरेडी ये कराता है। ओके, तो ब्लीडिंग पाइल्स में आपको यूज़ नहीं करना है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में हमें वहाँ पे अगर होता है तो हमें वहीं पे बलाता का यूज़ करना है। ओके, ग्रहणी जैसे कि प्रॉब्लम में इसका यूज़ करते हैं IBS यानी कि वहाँ पे इंस्टेंट एलर्ट बोबल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं IBS गुल्म। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं, इन सभी व्याधि में इसका यूज़ करते हैं। तो तत् मज्जा ओके मधुरो वृष्यो वृणनो वात पित्ता। हाँ, तो ये जो मधुर रस का जो हमारा फल हुआ है उसकी मज्जा यानी कि जो उसका पल्प है उसका हम क्या यूज़ करते हैं, तो मधुर रस का रहता है वृष्य भी होता है और मधुर रस का रहता है। ओके, तो ड्यू टू दैट भल्लाता जो होता है वहाँ पे मेद्य और बल्य एक्टिविटी दिखाता है ड्यू टू इट्स मधुर रस। ओके, वात पित्ता वृंद वृंतम अरुष्कम स्वादुहु पित्तगनम केश्यम अग्निकृत। ओके, तो केश्य के लिए अच्छा है, अग्नि के लिए अच्छा है। बलातकम कषाय उष्णम शुक्रलो मधुरो लघु। ओके, तो शुक्र को बढ़ाता है, मधुर रस का है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। वात श्लेष्म उदर आना कुष्ठ अर्ष ग्रहणी गदान। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये एक एक डिसीज में इसका यूज़ करते हैं। हंती गुल्म यानी कि गुल्म मतलब वहाँ पे अगेन कोई वहाँ पे दोष का कलेक्शन हुआ रहता है, वहाँ पे एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ज्वर श्वित्र वन्नी मांद कृमि वर्णान। ओके, तो यहाँ पे व्हाट्सएप की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो दोष कौन कौन दोषों में इसका यूज़ करते हैं, कफ और वात हर है यानी कफ और वात को शामक करने के लिए यूज़ करते हैं, वृष है एफ्रोडाइसिक ड्रग है, और बृहणनम इसके फलों का यूज़ अगर हम करेंगे तो बृहणनम एक्टिविटी दिखाएगा यानी कि मसल की एक्टिविटी को बढ़ाता है। मेद्य है ओके, तो ब्रेन की एक्टिविटी दिखाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जितने भी विषय द्रव्य होते हैं अगर शोधन करने के बाद इसका यूज़ करते हैं तो BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो CNS के सिस्टम्स में इनका इफेक्ट दिखाते हैं और वहाँ पे क्या करता है, वो मेद्य की प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, मूत्र संग्रहणीय है इसलिए डायबिटीज में इसका यूज़ करते हैं, और भेदन करने का काम करता है मतलब तोड़ता है किसी भी सिस्ट को किसी भी स्टोन को तोड़ता है। ओके, तो मूत्र संग्रहणीय है यानी कि अगर वहाँ पे मूत्रल एक्टिविटी बहुत सारे दिखाने वाले ड्रग आते हैं, गोक्षुर है वहाँ पे हमारे इक्षु है। ओके, तो जो क्या करते हैं यूरिन के फॉर्मेशन को यूरिन बहुत बनाते हैं यानी कि यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, तो ये यूरिन के फॉर्मेशन को कम करता है। डायबिटिक पेशेंट में इसका यूज़ करते हैं, प्रमेह व्याधि में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे थेरेपेटिक इंडिकेशन है किन किन जगहों में हमें इसका यूज़ करना है, तो कुष्ठ व्याधि अर्श पाइल जिसे हम बोलते हैं। ओके, ग्रहणी व्याधि ओके IBS इंटेस्टाइनल बॉबल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, गुल्म व्याधि शोथ उदर मतलब वहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी जो हमारे रहता है कैविटी उसके अंदर क्या होता है
फ्लूड कलेक्शन हो जाता है, उसको कम करने के लिए उधर व्याधि में इसका यूज़ करते हैं कृमि। ओके, तो कृमि मतलब बहुत सारे कृमि आते हैं, तो अगर हम बताएं ऐसा कृमि, तो कृमि रोग में हम क्या करते हैं, बलातक तेल जो होता है हम किसी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको देते हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे, जितने भी रक्तज कृमि पुरुषज कृमि जितने भी रहते हैं वो कृमि को वहाँ पे वो मार देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। ओके, तो शुद्र स्किन का एक प्रॉब्लम है अग्निमांद्य व्रण। ओके, तो कफज रोग में इन सभी का यूज़ करते हैं। अर्श व्याधि मैंने बताया आमिक प्रयोग है, तो किसके साथ हमें अगर देंगे तो ये व्याधि ठीक होती है, तो अर्श जो होता है बल्लातक क्वाथ हमें देना है, तो पोटेंट एफिशिएंसी रहती है टू क्योर अर्श, इट इज़ गिवन टू पेशेंट अर्ली इन द मॉर्निंग बट बिफोर कंज्यूमिंग दिस। ओके, तो एंटायर ओरल कैविटी इज कोटेड विद घी। ओके, तो ये क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का है तो पेशेंट को ये वहाँ पे होना चाहिए, इसको वहाँ पे फेवरेबल होना चाहिए उसके, तो पेशेंट शुड कंज्यूम कुक्ड राइस मिक्स विद घी और एंड मिल्क डाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, तो आपको शीत वीर्य द्रव्य लेना है अगर आप इसको कंज्यूम करने वाले हो तो। ओके, तो बल्लातक क्वाथ का यूज़ करना है, क्वाथ ऑफ बल्लातक अगेन इन कुष्ठ व्याधि अभ्यायन विडंग। ओके, तो बल्लातक अभ्यायन विडंग, अभ्या मतलब वहाँ पे हमारे हरितकी है या फिर आम्लकी है, तो हरितकी बल्लातक और जो विडंग है ये सभी क्या होते हैं कृमिघ्न है, और ये कुष्ठ व्याधि यानी कि जितने भी वहाँ पे जो कुष्ठ व्याधि जो डेवलप हुए रहता है वहाँ पे कृमि के जैसे डेवलप हो रहता है। ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर रक्त में अलग अलग कृमि ऊंट्स वहाँ पे मोम्स वहाँ पे डेवलप जाते हैं। ओके, तो उसको मारने के लिए बल्लातक क्वाथ हमें किनका बनाना है, बल्लातक अभ्यायन विडंग इनका बनाना है, और क्या करना है, बल्लातक तेल क्यूर्स ऑल टाइप ऑफ स्किन डिसीज, आपको डायरेक्टली एक्सटर्नली भी आप उसको लगा सकते हो। विष, ओके, तो किसी भी विषयों के इफेक्ट को शांत करने के लिए अंजन चिकित्सा, इफ़ ए विषयुक्त अंजन देन द फ्लावर्स ऑफ बल्लातक आर रब्ड इन मिल्क विच इज़ यूज एज अ काउंटर कोलेरियम। ओके, तो वही यहाँ पे बताया कि जिसको फूल्स हैं अगर आप मिल्क के साथ अगर इसको आप वो पार्ट पे अगर आप लगा दोगे तो वहाँ पे विष निकल जाता है, यानी कि विष ठीक हो जाता है। ज्वरग्न में बताया गया है, यानी कि वहाँ पे जो हमारा जो फीवर जो बना हुआ रहता है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, और प्लीहा उदर यानी कि प्लीहोदर यानी कि जो हम बोलते हैं यानी कि स्प्लेनोमेगाली जिसे हम बोलते हैं उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। मोदक बनाते हैं, मोदक मीन्स वहाँ पे टैबलेट बनाते हैं, किसका टैबलेट बनाते हैं, वहाँ पे हम नॉर्मली बाय इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ बल्लातक अभ्यायन जीरक। ओके, तो इनका यूज़ करके हमें टैबलेट बनाना है, बड़ा टैबलेट बनाना है, और आपको वहाँ पे एक प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डाइट के साथ हमें इनके कल्पों का यूज़ करना है। ओके, तो ये प्लियो उधर यानी कि स्प्लेनोमेगाली प्रॉब्लम में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो विशिष्ट योग यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन इसके योग हैं, तो बल्लातक रसायन है, अमृत रसायन, बल्लातक गुड़, संजीवनी वटी, ये बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहता है संजीवनी वटी, चिंचा बल्लातक, बल्लातक तैल। ओके, तो बल्लातक तैल जो कि बीजों से निकाला जाता है, और बल्लातक अरिष्ट। ओके, तो ये सभी कल्प रहते हैं जिनमें हम बल्लातक का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं, तो विषाक्त लक्षण ये अलग अलग रहता है कि स्किन के कॉन्टैक्ट में अगर विषाक्त लक्षण आए तो ये जो ड्रग रहता है आपको बहुत ही सावधानी से लेना पड़ता है। अगर आपके इसके एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट कोई आता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पूरे बॉडी में आपको या फिर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, वहाँ पे नारियल तेल या फिर तिल का तेल आपको यूज़ करना है। ओके, तो नारियल तेल आपको पूरे बॉडी में लगा लेना है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। ओके, तो वो जो स्किन कॉन्टैक्ट या फिर जो समथिंग स्किन के जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो विषाक्त लक्षण रहते हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं। ओके, द एंटीडोट एक्सटर्नली एज अ कोकोनट ऑयल सर्जरस ऑइंटमेंट एंड घी। ओके, तो ऐसे भी आपको लगाना है। ये शोधन बताया गया, शोधन नॉर्मली जो मैंने आपको बताया, तो फ्रूट्स इज नॉट फ्रूट, शीड इज कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, जिसे हम गोडम्बी बोलते हैं, और गोडम्बी क्या करना है आपको ईट चूर्ण यानी कि जो ईटे के जो पाउडर होते हैं उनमें आपको रखना है, और ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है उसको जो पॉइजनस जो कंटेंट होता है ईट के चूर्ण उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं वो उसके जो विषाक्त लक्षण होते हैं वो उसके अंदर अब्जॉर्ब होते हैं, और डायरेक्टली उसको दोलायंत्र विधि से हमें निकाल कर उसका शोधन डन हो जाता है, और शोधन करने के बाद हम क्या करते हैं उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं रस औषधि में या फिर किसी भी मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू में या फिर किसी भी योगों में। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट रिगार्डिंग अवर बल्लातक। बल्लातक ये बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होता है जिसका यूज़ हमें बहुत ही केयरफुली करना है। ओके, तो विषाक्त लक्षण आने के बाद हमें अलग अलग तरीके से बताया गया है। ओके, तो पाताल यंत्र से इसका बल्लातक तेल निकालते हैं,
जो कि बीजों से निकाला जाता है, इसके बीज फ्रूट्स के नीचे पाए जाते हैं, ओके, तो बल्लतक शुद्ध हो जाता है ड्यू टू दैट बाई यूजिंग गोडम्बी प्रोसीजर बाई यूडिंग द कटिंग प्रोसीजर इन टू द जो यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे जो हमने रीड आउट किया, ओके, तो ज़्यादा मात्रा में आप अगर लोगे तो वहाँ पे बहुत सारे कंडू दाह अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं, ओके, तो उसको शांत करने के लिए मैंने जस्ट आपको बताया कि तिल तेल घी नारियल तेल ये सब आपको एक्सटर्नल वहाँ पे अप्लाई करना है, ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर बल्लतक, थैंक यू।